बैक टू माय चैनल। तो यार आ चुके हैं न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ा बहुत अमेजिंग है, अपन वापस से खेलेंगे पबजी मोबाइल का क्यार वर्जन। और भाई यार इस मैच में भाई मैं चिकन डिनर आप लोगों के लिए नहीं निकाल पाया, क्योंकि भाई लास्ट का सीन मैं आप लोगों को सब समझा दूंगा क्योंकि मैं क्यों नहीं निकाल पाया। तो यहाँ पे मुझे एक क्रिएट मिल गई थी और देख सकते हैं मैं 11:50 मतलब 12 बजे मैं वीडियो बना रहा था। और वैसे मैं ज़्यादा तो मैं टैप टैप कर रहा था, लेकिन भाई देख लो अभी कुछ डाउनलोड का आता था। देखो भाई ये पता नहीं क्या आ रहा था, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फोर टाइम लोडिंग आ रहा था तो इसको कैंसिल कर देता हूँ। और AKM के भी करता हूँ, लेकिन भाई देखते जो अभी मिलने वाला तो है नहीं भाई। ऑब्वियसली भाई अपन को वापस एकदम घान चीज़ मिली है, सड़े वैसा मास्क मिल गया, पता नहीं क्या ही करूँगा मैं इस मास्क का। मेरे पास एक ही मतलब वो था और कुछ नहीं था मेरे पास। तो भाई अभी अभी अपने मैच को स्टार्ट कर देता हूँ, उससे पहले एक RP पॉइंट भी ले लेते भाई, थोड़ी RP भी वैसे भी बढ़ रही है। और अगर आप लोग मतलब अगर आप लोग न्यू हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को लाइक कर देना। और अपना रैंगल फिलहाल कर तो अभी 400 MB का हो गया, मैं एक दिन 100 MB का जुगाड़ लगा ही रहा हूँ। वैसे तो एक ही बार मैं अगर मैं पूरा कर दूंगा तो भाई मुझे वीडियो बनाने का भी नेट नहीं रहेगा। इसके लिए भाई मैं थोड़ा आराम आराम से मतलब वो रैंगल कर रहा हूँ, उसके बाद अपन आराम से मेट्रो वेट्रो में घूमेंगे आराम से। आप लोग को पूरा मैं बता दूंगा और पूरी वीडियो एकदम एंड तक देखना, आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। और बार बार भाई वो ऊपर का टच हो रहा था, अब मैं ऑब्वियसली वहाँ पर एकदम तलाश में था, मतलब कोई मतलब तलाश में था कि कोई अच्छे कपड़े वाला था, लेकिन इस वक्त कोई अच्छे कपड़े वाला नहीं था, यहाँ पर मुझे कोई मिला ही नहीं अच्छे कपड़े वाला। तो यहाँ पर मेरे को लगा मैं बोला पांडा वाला ले लेता हूँ, लेकिन भाई अच्छा नहीं था। तो मैं बोला फिर मुझे ब्लैक वाला मतलब कपड़ा वाला दिखता है, तो मैं इसके सामने कपड़े ड्रॉप करता हूँ। और भाई गेस व्हाट, ऑब्वियसली भाई इसने भी उठा लिया, बहुत अच्छे अच्छे लॉबी आते हैं। मेरे पास इससे ही मैचिंग एक वो थी, क्या बोलते हैं, टोपी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और भाई ऑल पे पता नहीं भाई ये बोल रहा था, मैं आप लोगों को सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि भाई बहुत बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही थी, इसके लिए मैंने सॉन्ग डाल दिया। एक बार मैं ट्राई करूँगा अपने रियल वॉइस की, मैं इसको दोनों कपड़े दे देता हूँ, वैसे मेरे पास तो थे ये कपड़े इसके लिए। और भाई ऑल पे बोलता है किसने मेरे काले कपड़े लिया किसने, मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने लिया मैंने लिया भाई। उसके बाद वो कुछ बोलता ही नहीं है, कोई दूसरा बोल रहा था भाई कैसी कैसी गालियाँ दे रहे थे उन लोग। तो मैं अपना माइक ही बंद कर देता हूँ। देखो भाई अभी वो बोल रहा था, और इस बार भी बॉट लॉबी आप लोगों को दिखेगी, लेकिन भाई इसलिए तो बॉट लॉबी नहीं रहेगी, पहले मैं आवाज़ बढ़ा देता हूँ। और अगर कमेंट में बताना मैं कौन से गेम की वीडियो डालूँ, या फिर सिर्फ पबजी मोबाइल क्यार की डालूँ, या फिर डोसा रॉयल सीरीज़ की भी डाल सकता हूँ मैं। मैं इसको बोल मैं ऑल भाई माइक चालू करके बोला भी था उन लोगों को भाई, लेकिन भाई उसने कुछ बोला ही नहीं तो मैं हटा दिया। और मैं चाह रहा था कि नोवो जाऊँ, लेकिन भाई बहुत लेट हो गया था, मैंने मैप पे ध्यान नहीं दिया। और वापस से मैं ऑल पे कहता हूँ उसको बोलने के, लेकिन भाई कुछ सुनता ही नहीं था, मैं बंद कर देता हूँ। और अब मैं चाह रहा था पूछेंगे, क्योंकि थोड़ा पूछेंगे थोड़ा बहुत नज़दीक आ गया था और कोई हॉट ड्रॉप तो था नहीं उसके पास, तो पोचिंग की भाई उतरेंगे अपन। और ज़्यादा बंदे तो नहीं आते, मुझे तो दिखता ही नहीं, खाली एक साइड में से चले गया था बॉट के कपड़े वाला। और फिलहाल के तो भाई ठीक ठाक ही है, ये कपड़े इतने भी अच्छे नहीं है। और सीजन 16 के 100 RP वाले जो कपड़े भाई बहुत ही मस्त लगे मुझे वो। और आप पबजी इंडिया पक्का आने वाला है, आज है 20 नवंबर ही है ना शायद से, तो पता नहीं भाई मैं 21 नवंबर को पता नहीं वीडियो कब अपलोड होगी, देखते भाई अगर मुझे अच्छा खासा टाइम मिला तो मैं 20 नवंबर मतलब आज को ही अपलोड कर लूँगा। और कमेंट बताना आप लोग कौन से इस पे देख रहे हो। देखो भाई इन लोगों को शॉर्ट गन मिल गई थी एक सैफ नाम के बंदे को, और मिस्टर रियाज ओपी और ये टिकटॉक वाला तो नहीं बंदे है भाई। तो पता नहीं भाई मैं वीडियो को कब अपलोड करूँगा। और हमारे स्कूबी पता नहीं कौन है, इन लोग कैसे नाम रखे इन लोग ने। और पहले तो पबजी मोबाइल इंडिया आने वाला था 11 या फिर 12 मतलब 12 तारीख को आने वाला था, लेकिन भाई देखो भाई जमी नहीं हो रहा मेरे से, तो 12 या फिर 11 को आने वाला था, मैंने डेट देख लिया था पहले। तो फिर उसके बाद मुझे पता, देखो भाई M4 मिल गई, मैं आप लोगों को बताता हूँ 11-12 को आने वाला था, लेकिन भाई फिर मुझे पता चला कि डील हो गया था वो, पता नहीं क्या हो गया था शायद से। अभी 20 नवंबर को आने वाला था, आज है 20 नवंबर, देखते भाई आज आता है कि नहीं। मेरे ख्याल से आज रात या फिर कल सुबह तक का तो आ ही जाएगा, देखते भाई। आप लोग कमेंट में बताओ अगर आप लोग को पता है क्या। और एक और न्यू वेबसाइट है pubgmobile.in, ऐसे कोई वेबसाइट है, अभी उन लोग की न्यू है क्योंकि अभी नया पबजी आया, इसके लिए इन शायद से इंडिया का मीनिंग हो सकता है, उन लोगों को पता होगा। तब मैं थोड़ा बहुत लूट लेता हूँ, मुझे अब एक बंदा दिखता है, और ये शायद से बॉट तो नहीं दिख रहा था, लेकिन भैया हल्का सा दिख रहा था, इसको मैं फटक से नॉकआउट कर देता हूँ, उसको पूरा फिनिश भी कर दूंगा मैं। और दूसरा बंदा तो मुझे शायद से यहाँ पे नहीं मिलता है,
आप लोग कमेंट बताओ, ऑब्वियसली मैं तो डालूंगा वैसे पबजी मोबाइल इंडिया की, तो भाई आप लोग मुझे बताओ भाई मुझे क्या करना चाहिए, पहला कोई क्लासिक का गेम पे डालना चाहिए या फिर कोई TDM या फिर कोई 1v1, पता नहीं आप लोग बताओ। अगर कोई 1v1 करना चाहता है तो कमेंट में बता दो, करेंगे अपन और उसको भी उसकी मतलब विंजी भाई की तरह जीरो से हराने वाले। तब मैं उसको लूट वूट ले लेता हूँ आराम से, मुझे अच्छी खासी मतलब M1 मिल जाती है, गन भी मिल जाती है, और भाई स्टार्टिंग में मुझे M4 मिल गई थी। चलो भाई अपने गेम की तरफ बात करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे किल फील्ड में भी आप लोग देख सकते हैं अच्छे खासे बंदे, और आगे तो आप लोग को एक क्लच गॉड नाम का एक बंदा दिखेगा, बहुत ही किल करने वाला है वो, मतलब वो मुझे नहीं मारेगा, कोई और बंदा मारने वाला है, और मैं मर तो जाऊँगा। मैंने भाई मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा मैं क्यों मरा, मैं जान मुझसे उसके ऊपर रश क्यों किया, तुम लोग बस देखते जाओ। और यहाँ पे मैं एक बार मैं पूछा चलो भाई लगा ही देते क्या जो हुआ देखा जाएगा, और भाई देखो भाई क्या ही स्कैम हो गया मेरे साथ, ये बकवास काले कलर का पता नहीं क्या ही डाल दिया, चैन से लग रही है मुझे, तो मैं उसके ऊपर चल के देखता हूँ। मेरी पहले तो भाई फट रही थी, लेकिन भाई देखा तो भाई कुछ भी नहीं हुआ, पूरा वेस्ट ही कर दिया मैंने। मैं बस ट्रेनिंग मोड में उसको ट्राई करूँगा, और यहाँ पे मुझे फायरिंग होती है, मतलब वहाँ से आप मैप में देख सकते हैं मुझे एक फायरिंग होती है, और वहाँ पे जाता हूँ। और एक सेफ नाम का भी बंदा है स्टार्टिंग में उसने मारा था, तो उसको भी थोड़ा बहुत याद रख लेना, और देखते जाओ अगर वो मुझे मारा तो देखते हैं, भाई नहीं मारा तो चलेगा एक और किल किया। इसके अलावा आप लोग को पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आगे जाको, अगर आप लोग ने आगे बढ़ा भी दिया तो आप लोग को पूरा समझ में नहीं आने वाला है। तो मुझे लगा कि घर के छत पर बंदा होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं था, वो आगे से फायरिंग हो रही थी। तो फिलहाल क्या होता है अभी तक फिलहाल के लिए मैंने कोई जुगाड़ वुगाड़ तो नहीं किया हूँ कि मेरे गन की इन गेम आवाज़ आई, तो आप लोग करने बताना अगर आप लोग ऐसा चाहते हो कि मैं नॉर्मल मतलब जैसा गेम के अंदर अपना अलग बात करते ही रहते ना कि अभी तेरी तो यहाँ पे बंदा आ गया और सॉन्ग लगा दिया मैंने वो आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप लोग करने बताना मैं अपनी इन गेम जो वॉइस रिकॉर्डिंग करूँ या ना करूँ, आप लोग कमेंट में बता दो भाई, मैं डाल दूंगा उसका कुछ नहीं है भाई। और अगर उस वक्त कोई बैकग्राउंड में नहीं रहा तो भाई मैं अपना ही बोलते रहूँगा, साउंड को भी रिकॉर्ड कर लूँगा, कोई बात नहीं चलेगा। और भाई थैंक यू, आपने बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट दिखा रहे हो, वैसे फिलहाल के लिए तो देखो भाई क्लच गॉड फिलहाल के लिए तो 60 सब्सक्राइबर अपने नहीं हुए, लेकिन भाई मुझे पता है भाई आप लोग थोड़े दिन में करा ही दोगे भाई, टीचर करा दो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार मैं, हर एक दिन अपलोड करता हूँ वीडियो, कभी कभी एक दो दिन डिले हो जाता है मतलब छूट जाती है वीडियो, तो आई एम रियली सॉरी भाई, कोई कोई लोग तो अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। और हाँ गाइस फिलहाल के जो ये जो आप देखो भाई क्लच गॉड पिस्तौल से मार रहे हैं, वैसे बॉट था ये, शायद से बॉट ही लग रहा है नाम से, तो हम आप लोगों को एक और चीज़ बताने वाला था, थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो गया था, तो अभी मुझे एक गाड़ी मिल जाती है, और मैं आप लोग को बताते जो आप मतलब सॉन्ग सुन रहे हो इतना खास नहीं है वैसे, बहुत बकवास लग रहा है मुझे तो, लेकिन भाई अभी कुछ करना ही पड़ेगा मेरे को, कोई रैप वैप जैसे बड़े बड़े अच्छे ऐसे सॉन्ग आते हैं, सॉन्ग बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या बोला मैंने, आप लोग बताना मैंने अभी क्या बोला। और मैं आप लोग को बोल रहा था कि अगर आपको कोई बैकग्राउंड की वॉइस आ रही है तो उसको इग्नोर मार देना, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, रुक जाओ ओके गाइस। तो मैं भी एकदम ट्राई करूँगा कुछ एडिटिंग नहीं हूँ ऐप की, अगर आप लोग को पता है तो आप कमेंट में बताना। फिलहाल के लिए तो मैं मोबीजन से वीडियो बनाता हूँ और एडिट करता हूँ, वीडियो शो एक ऐप का नाम है, बहुत अच्छे क्लिप एडिट मतलब क्लिप एडिट करता हूँ मैं बस इंट्रो पढ़े ले। तो अभी मैं मार्क लगा देता हूँ अपने यासना पोलियाना पे, क्योंकि भाई दूसरी जगह तो बंदे मुझे तक नहीं दिखता, बंदे दिख मिलने वाले, तो मुझे लगा भाई बंदे दिख जाएंगे तो सबसे पहले तो भाई मैं गाड़ी चेंज करता हूँ। आज मुझे मतलब दाशिया भी नहीं मिली, जिसकी भाई मेरे पास एकदम खतरनाक स्किन है। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों को और इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे दिखते रहेगी आगे आगे। क्लच गॉड बंदा एक नॉकआउट हो चुका है भाई, देखते जाओ वैसे वो लोग। और हाँ गाइस एक पबजी मोबाइल जो इंडिया है वैसा पबजी मोबाइल इंडिया आने वाला है, तो उसके अंदर भाई एक और चीज़ होने वाली है जो कि अपना देखो अगर मैंने मार्क करते हैं अपन एनिमीज हेड फॉल बैक टू सेफ जोन ऐसा आता है फॉर मी अपॉन मी ऐसी बातें, तो भाई क्या पता मेरे ख्याल से तो 100% उन लोग अगर डालना चाहे तो उन लोग डाल लेंगे। और आप इसे सलमान भाई की ड्राइविंग मजाक कर रहा था भाई, सलमान भाई तो अपने OP भाई यार। तो मैं आप लोग को बोल रहा था कि मतलब चलो भाई एक मिनट भाई मैं भूल गया भाई एक मिनट,
अबे हाँ, ओ भाई सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ भाई मुझे याद आ गया, मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मतलब फॉर्म या फॉर्म में ऐसे बहुत सारे चैट्स होते हैं, क्या पता अगर उन लोग डालना चाहे तो वो डाल सकते थे। क्लच गॉड रिवाइव हो गया वापस, सचिन ने नॉकआउट कर दिया, बदला ले लिया बंदे ने, तो वो लोग इंडिया में ऐसे डाल सकते हैं। इधर आ मतलब फॉर्म या फॉर्म में, इधर आ एनिमीज हेड, वहाँ पर बंदे है, डोंट फायर, गोली मत चला, ऐसा भाई बहुत ही भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मैं आप लोग को पहले भी एक चैनल का नाम बता चुका हूँ, लेजेंड एक्स, अपने फेवरेट यूट्यूबर है भाई वो। आप लोग भी मतलब आप लोग भी उनको पसंद करते ही होंगे, नहीं करते तो भाई कोई बात नहीं यार, कर लो। तो उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर भाई बहुत पहले ही हो चुके थे, क्योंकि बस इतनी ओपे वीडियो बनाते तो भाई उनको हो गई। तो भाई प्लीज़ यार, और हाँ गाइस, 1K सब्सक्राइबर पे एक फेस रिवील आने वाले हैं, क्योंकि भाई मैं बोल रहा हूँ आप लोग के लिए इंतजार नहीं करा सकता भाई मैं, लेकिन भाई आप लोग 1K भाई बिल्कुल भी नहीं करा रहे हो। वैसे तो भाई अपने 100 सब्सक्राइबर में नहीं है, मेरे को तो लगता आप लोग 1K करा दोगे भाई, प्लीज़ यार 1K सब्सक्राइबर करा दो। तो फिलहाल तो अपना टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स, और अभी के लिए तो अपना है 60 सब्सक्राइबर्स, और फिलहाल के लिए शायद से मेरे 51-52 तक के है। और भाई थैंक यू फॉर द सपोर्ट अपना, आप लोग ने मुझको 0 सब्सक्राइबर से 50 सब्सक्राइबर तक लाया। और भाई अगर मुझे पता है भाई आप लोग बहुत जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर करा ही दोगे भाई। और यहाँ पे मतलब मैं अपने दूसरे फ़ोन से हैक्स ऑन कर लिया था, और ये देखो गिर गया, लेकिन भाई मुझे डैमेज नहीं होता क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पर आता हूँ। और भाई हाँ यार, मैं खाली एंटरटेनमेंट के लिए बोलता हूँ, हैक वैक असलत में मेरे को हैक वैक नहीं है मेरे पास, होते तो भाई अभी तक तो भाई मैं कॉन्करर होता। तो यहाँ पर मुझे फुट स्टेप आते हैं, और आप लोग कमेंट में बताना ये बॉट था क्या। नहीं भाई, मेरी जो फट रही थी ना ये बंदे से, अब पता नहीं भाई मैं इसको बंदा बोलूँ या बॉट, लेकिन भाई इसने कपड़े नहीं पहना था, बॉट ही हो सकता है, लेकिन इसके पास टोपी थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी, और उसने फायर नहीं किया, मैंने उसको फायर करने का मौका भी नहीं दिया था वैसे तो। तो यहाँ पर मुझे अच्छे खासा फुस्टा बात है, मैं थोड़ा बहुत और बॉट स्कैम करता हूँ, फिर बाद में मैं उसको नीचे चल जाऊँगा, लेकिन भाई वो ऊपर आने ही वाला है वैसे तो। तो फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बताते थे वो डिले क्यों हुआ था अपना जो पबजू मोबाइल इंडिया 11 तारीख से अपना 20 तारीख तक का क्यों हुआ था, क्योंकि भाई अपना जो पबजू मोबाइल का जो अपना पबजू मोबाइल का जो ग्लोबल वर्जन है उसकी जो अपनी आईडी, अपनी बहुत सारे रॉयल पास है, सीजन 13 के कॉन्करर फ्रेम्स हो गए आप लोगों के पास, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन भाई अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो भाई पक्का मैं कॉन्करर जाके रहूँगा, चाहे भाई कुछ भी हो जाए। तो अब बंदा आता है भाई, मैं इसको मानने का मौका नहीं देता हूँ, शायद से अब बॉट ही होगा, नाम से तो ये बॉट ही लग रहा था, आप लोग कमेंट में बताना है बॉट है क्या नहीं। तो हाँ गाइस, अपना जो पबजी मोबाइल का जो ग्लोबल जो अकाउंट है वो उन लोग ऐसा बोले थे मेरे ख्याल से, तो मैंने सुना तो इतना ही हो, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा बोल भी रहे थे, तो मैं वापस से हैक्स ऑन कर लेता हूँ, जोक मार रहा हूँ। तो हाँ गाइस, मैं बहुत सारे यूट्यूबर बोल ही रहे थे कि अपना जो ग्लोबल वर्जन का जो अकाउंट है वो अपने पबजी मोबाइल इंडिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, और यहाँ पर मैं स्टॉप कर देता हूँ और वापस मैं चले जाता हूँ, क्योंकि भाई अभी जोन भी आ गया है, और बता दें भाई मैं यहाँ पे क्या ही कर रहा था। इस बार भाई मेरी हेल्थ चले जाती है, और भाई हट क्यों गया, ओके भाई लग गया, मेरे पास लूटर तगड़े दिल गए, मैं पता नहीं मैं इसको उस वक्त यूज़ क्यों नहीं किया, मतलब यूज़ क्यों नहीं किया एंड में। तो ये वीडियो मैंने बनाया था सुबह के 11 या फिर 12 बजे, पहले वाली तो वीडियो मैंने कम से कम 8 बजे या 9 बजे बना लिया था। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट में बताना मैं कितने बजे मतलब वीडियो बनाऊँ, सुबह मैं अपलोड करूँ, आप लोग को आप लोग जिस वक्त फ्री रहोगे मैं उस वक्त डाल दूँगा, तो भाई कमेंट में बताना नहीं बोलना। और यहाँ पे 8 अलाइव हो चुके हैं, और मेरे को मिला के 9, मतलब मेरे को बोला के 7 हो जाएंगे, 8 में से मैं एक हूँ। और यासना बोले है ना जोन के, अभी तो आधा जोन के अंदर था आधा बाहर, तो मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे रुकता हूँ, ये जो आप वॉच टावर देख रहे हो यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत गंदे सीन होने वाला है, हादसा होने वाला है, तो मैं थोड़े बहुत 999 IQ लगाता हूँ, और यहाँ पे गाड़ी को ऐसे पार्क करता हूँ कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, लेकिन भाई कुछ फ़ायदा नहीं होता इसका, आगे जाके तो अपनी लकड़े की पेटी बनने वाली है और उसमें से ग्रीन ग्रीन धुआं निकलेगा तो वही समझ गए होंगे आप लोग। तो भाई आई एम रियली सॉरी भाई, क्यों यार भाई मैं पता नहीं क्यों इतना नहीं मार पाता हूँ चिकन डिनर आप लोगों के लिए, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ,
और मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले तो सीन क्या हुआ था। जब मैं खेल रहा था तो मेरे को पता था सॉन्ग तो मैं लगाने वाला हूँ, तो सबसे दरवाज़ा बंद कर लो तो कोई मार देगा। मुझे पता था मैं सॉन्ग तो लगाने वाला हूँ, और हमारे घर पर आए थे मेहमान और मैं उन लोग के सामने बैठ के खेल रहा था और उन लोग कर रहे थे नाश्ता, मतलब नाश्ता बैठे थे। तो मैं बोला भाई मम्मी मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपनी वीडियो बनाऊँगा तो आप लोग के लिए देखो भाई, मैं नाश्ता भी छोड़ देता हूँ। तो वैसे मैं बाद में खा लिया था, लेकिन भाई तो यहाँ से मुझे गाड़ी दिखती है जाते हुए, मैं थोड़ा बहुत फायर करता हूँ, लेकिन मैं बहुत फायर नहीं कर रहा था इस वक्त, मैं बाद में अच्छा थोड़ा बहुत स्प्रे देता हूँ। तो पहले वो दूर भागते हैं, बाद में वो आ जाती है। तो मैं आप लोग को बोल रहा था क्या सीन है मेहमान जो जब वो आए थे, तो उस वक्त मैं एकदम घाय में था और उन लोग मतलब जो हमारे दो फ्लैट है ना, तो वो दूसरे फ्लैट में गए थे ऊपर देखने के लिए, मतलब मेरे दो फ्लैट हैं हम लोग के, मतलब दो मतलब हमारे कज़िन, मतलब मेरा एक कज़िन है उनके है, तो वो ऊपर मिलने गए थे उनसे जब तक कि मैं नीचे था, और वो मम्मी बोल रहे थे कि भाई जल्दी ऊपर चल यार मिलने जाना है। तो भाई मैं एकदम घाई में आ गया था, और भाई मुझे मजबूरन भाई पता नहीं मैंने क्या ही सोच के इन लोग पर रश कर दिया। तो भाई अगर वो मेहमान मतलब मेहमान जो घर पर थे अगर वो नहीं आते, मतलब ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, अगर वो नहीं आते तो भाई ऑब्वियसली भाई मैं चिकन डिनर यूँ निकाल लेता, लेकिन भाई अगर मैंने बहुत घाई कर दिया और भाई मम्मी बोलते भाई जल्दी चलते हो, भाई मुझे रश करना ही पड़ा, भाई मैं कुछ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे तो मैं नीचे जाके पीछे से गाड़ी लेके कट भी सकता था, ऐसे थोड़ा मैं लास्ट में भी लोगों को मार सकता था। और भाई इसको इग्नोर मार देना बैकग्राउंड की वॉइस को, तो भाई मैं इसको एक स्प्रे देता हूँ, लेकिन मैं वो भी अच्छा खासा स्प्रे दे रहा था, उसके छत से एक दो गोली मुझे लगी। मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत हल्का सा बंदा तो देखा था, और वहाँ पे दो बंदे थे एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे दो बंदे थे, दोनों टीममेट नहीं थे, तीन बंदे थे शायद से, मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन दो बंदे थे वहाँ पे, इतना तो याद है दो बंदे थे। और मैंने एक को ना गाड़ी से नॉकआउट कर लिया था, लेकिन भाई दूसरा वाला जो हाइट पर था, आप लोग पूरा देख लो आपको समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो भाई वहाँ पे पीक कर रहा है, यहाँ से मैं मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन भाई एंगल ही नहीं मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। और भाई पता नहीं मैं मेरा बार बार स्कोप पे बटन, मतलब स्कोप खुलता ही नहीं है कभी कभी, तो भाई मैं आप लोग देखोगे मैं स्कोप भी नहीं लगाया था। देखो भाई स्कोप का बटन ही बहुत लेट खुला, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ। आगे जाके मैं मतलब अभी रश भी कर दूंगा, देख लेना आप। मैं पता नहीं मैं क्यों मारा था, मैं फ्री फायर दे रहा था लेकिन मैं उन लोग आए नहीं, तो यहाँ पे मुझे डांट पड़ने लगी पीछे से, तो मैं आ गया एकदम, मतलब मैं पैनिक हो गया एकदम, और भाई मुझे गाड़ी लेके उन लोग पर रश करना पड़ा। तो भाई एक किल खेले, मतलब एक नॉकआउट खेले, किल तो नहीं बोलूँगा मैं, एक नॉकआउट खेले भाई देख लीजिए बस तुम लोग। यहाँ पे एक बंदा बाहर रहता है मेरे पे फायर करता है, और भाई जस्ट भाई इसकी स्किन देखो ऑरेंज वाली है भाई, इस सैफ जिन लोगों को याद था बताना, और भाई इसके साथ ये स्कूबी नाम का जिसको मैंने इसके नाम को चढ़ाया था भाई मुझे मिल गया, मतलब ये इंस्टेंट कर्मा तो नहीं है लेकिन भाई कर्मा तो मिल गया। और देखो भाई यहाँ पे दो बंदे थे और इसका टीममेट था एक सैफ, तो मैंने उसको गाड़ी से तो उड़ा दिया था। तो भाई ये तस्वीर मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मैं तो कुछ नेक्स्ट गेम प्रोड में या फिर को नेक्स्ट प्रोड में, तब तक के लिए बाय और आएगी वीडियो।